पॉप सिंगर जस्टिन बीबर को लेकर एक चौंका देने वाली खबर सामने आई है। जस्टिन बीबर को ऐसी बीमारी हुई है जिससे उनका गाना गाना अब मुश्किल हो चुका है। इस बीमारी के कारण जस्टिन बीबर ने अपने पिछले कुछ शोज कैंसिल किए। शोज कैंसिल करने के कारण जनता नाराज हुई। यही कारण है कि जस्टिन बीबर को जनता के सामने आना पड़ा एक वीडियो के जरिए और बताना पड़ा कि आखिर उन्होंने शोज कैंसिल क्यों किए। जस्टिन बीबर ने आज एक वीडियो रिलीज किया जिसमें उन्होंने बताया कि उन्हें रामसे सिंड्रोम है। ये एक ऐसी बीमारी है जिससे एक वायरस आपकी नर्व्स में फैल जाता है, आपके चेहरे की नर्व्स में, और आपके चेहरे का वो हिस्सा काम करना बंद कर देता है। इसे पार्शियल फेस पैरालिसिस भी कहा जाता है। जी हाँ, जस्टिन बीबर के चेहरे के एक साइड उन्हें पैरालिसिस हो गया है। इस कारण से ना वो आंख झपका पा रहे हैं, ना उनकी नाक मूव कर रही है, ना उस साइड से वो स्माइल कर पा रहे हैं, यानी कि चेहरे के उस पूरे पोर्शन में उनका मूवमेंट खत्म हो चुका है। अब सिर्फ चेहरे का एक ही पोर्शन काम कर रहा है। जस्टिन बीबर इस रेयर कंडीशन से जूझ रहे हैं। अभी उन्हें तुरंत रूप से मेडिकल हेल्प लेनी पड़ेगी और उन्हें अपना इलाज करवाना पड़ेगा, तब जाकर वो अपने शोज कर पाएंगे। जस्टिन बीबर बहुत बड़े सेलिब्रिटी हैं, बहुत बड़े पॉप सिंगर हैं, अच्छी खासी फैन फॉलोइंग एंजॉय करते हैं और एक एक शो के करोड़ों रुपए चार्ज करते हैं। इंडिया में भी जस्टिन बीबर के फैंस की कमी नहीं है। मुंबई में एक शो हुआ था जिसमें काफी भीड़ जुटी थी और अब कहा जा रहा था कि दिल्ली में भी जस्टिन बीबर का एक शो होने वाला है, लेकिन लगता है कि जस्टिन बीबर की इस कंडीशन के कारण ये शो भी कैंसिल होगा। वी होप कि जस्टिन बीबर इस फेशियल पैरालिसिस से जल्दी रिकवर करे और फिर से काम पर लौटे। जस्टिन बीबर की उम्र महज 28 साल है और कम उम्र में सक्सेसफुल होने वाले ये चंद लोगों में से एक है।